कितना आप लोग स्कोर कर लेंगे बताइए? आधा 50%। हम डिजीज और पैथोलॉजी वाले चैप्टर्स अच्छे थे, वो अच्छे थे पर क्वेश्चंस वो नहीं आए। एक रेड रॉट आया, रेड रॉट और शुगर केन आई थिंक बस आया था, डिजीज में बस ये हां यही आया था। टाइम इस बार मिला कि नहीं? बहुत टाइम था, सफिशिएंट टाइम था, प्लेंटी ऑफ टाइम था। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। हम काशी विद्यापीठ में हैं और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। आज फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर था, हालांकि चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उसे लग रहा है कि पेपर बच्चों का थोड़ा सा टफ गया है। हालांकि कभी कभी होता है कि उम्मीद हम कुछ और करते हैं और कुछ अलग होता है, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में पेपर अगर आपका टफ आता है तो मार्किंग स्कीम अच्छी रहती है। और मेरा ऐसा मानना है और जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना होता है कि अगर आप रिटर्न एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए तो उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ ना कुछ आपको लिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे लिख के ही आए होंगे। तो पेपर तो खैर अभी मेरी बातचीत चली ऑफ द कैमरा, तो आप लोगों ने बता ही दिया कि सर पेपर ठीक नहीं गया, फिर भी मतलब कितना तक आप लोगों ने सही किया है, कुछ बताना चाहे कि सर कितने परसेंट तक सही किया है? सर काफी मतलब अच्छे से, जो शॉर्ट में क्वेश्चन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी लॉन्ग वाले अच्छे थे। सर नए क्वेश्चन थे, लेकिन जहां तक अभी मैंने आपसे बातचीत की आप लोगों से तो आप लोगों का कहना था कि सर लॉन्ग वाले ठीक ठाक थे, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो मतलब क्या ना कि पढ़े पढ़ा वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन था वही थोड़ा टफ, वेरी शॉर्ट वाला, मतलब न्यू क्वेश्चन थे अचानक से सडनली आ गया। तो हाँ होता है, जैसे हम लोग अब पढ़ के कुछ और आए हैं और कुछ और आ गया, लेकिन जहाँ ओआर यानी कि ओआर का ऑप्शन होता है यानी कि विकल्प होता है वहाँ पे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने बना लिए होंगे। जैसे जैसे वेरी शॉर्ट में था, आठ क्वेश्चन में से पांच करना था, दो तो हो गया, वेरी शॉर्ट में ऑप्शन नहीं था, वो कंपलसरी थे, शॉर्ट शॉर्ट में थे, आठ उसमें से पांच करने थे जी सर, और वेरी शॉर्ट में लेकिन सारे करने होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं। तो जैसे अभी आप लोग कुछ याद आ रहा है कि हाँ मतलब आठ यूनिट होता है आप लोग का बॉटनी में, तो ऐसा कोई यूनिट जिससे ज्यादा क्वेश्चन आया था? माइकोलॉजी से ज्यादा। मैम आप कुछ बच्चों से पूछिए अगर आपको याद आ रहा हो इस चैप्टर के बारे में। और आई थिंक फर्स्ट यूनिट से वायरस से नहीं, सेकेंड यूनिट से, सेकेंड यूनिट से वायरस से ज्यादा क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन थे, सिग्निफिकेंट फीचर्स पूछे थे बस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक क्वेश्चन था फाइव, यस मैम, एक क्वेश्चन था पांच नंबर। अच्छा मतलब कि शॉर्ट में आया था वो, यस शॉर्ट में आया। तो कितना लगभग लगभग सब स्कोर कर लेंगे? लगभग लगभग कितना स्कोर कर लेंगे? तब भी मैम मेरा सही है, तब भी 80+, 80+ हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 50+, 50+ पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अच्छा मैम ये पूछिए बच्चों से कि सीरियड के क्वेश्चन इनको इजी लगा या फिर ज्यादा वेटेज का, ऐसा कुछ कौन से यूनिट ज्यादा वेटेज किसी यूनिट से? हम डिजीज और पैथोलॉजी वाले चैप्टर्स अच्छे थे, उसके यूनिट अच्छे थे, रेड रॉट और लेट ब्लाइट वगैरह वो अच्छे थे, पर क्वेश्चंस वो नहीं आए। एक रेड रॉट आया, रेड रॉट और शुगर केन आई थिंक बस आया था, डिजीज में बस ये हां यही आया था। एक इडोगोनियम भी था जो कि स्किप हो गया पर उसे पढ़ना चाहिए था। टाइम इस बार मिला कि नहीं? बहुत टाइम था सर, सफिशिएंट टाइम था, प्लेंटी ऑफ टाइम था। केमिस्ट्री में पेपर आ रहा था, पेपर अच्छा था केमिस्ट्री का, बस टाइम कम था। होता है कोई एक चीज में तो कॉम्प्लेक्स कर ही देते हैं। टॉप कर जाएंगे आप लोग। और आप कितना स्कोर कर लेंगे? मैम किए तो सारे हैं बट एग्जामिनर जैसा मतलब डिपेंड करता है कि जो ये सारे एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है और लिखे भी अच्छे से ही हैं। अब अच्छा कोई नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी आप लोग खड़े हैं देखिए हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है, हम लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न एग्जाम में लिख के आए तो नंबर अच्छा आ जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। अगर राइटिंग अच्छी है
अगर जो चीज नहीं आ रहा है डायग्राम्स बनाए कि नहीं आते हैं। ये मैंने क्लासेस में बोला डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे आई थिंक लॉन्ग में रिकॉम्बिनेशन पूछा है तो डायग्राम जरूर बनाए क्योंकि देखिए टाइम कम होता है तो लिखने के लिए कम समय होता है लेकिन डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए। डायग्राम एग्जामिनर नंबर दे देते हैं मैम अगर डायग्राम अच्छे से बनाते तो एग्जामिनर उसी पे नंबर देते हैं। तो हर चीज से देखिए सीखना चाहिए। अभी क्या पता सेकंड सेमेस्टर में अच्छा आ जाए पेपर अच्छा आ जाए। हो सकता है कि जूलॉजी आप लोग अच्छा हां जूलॉजी अच्छा हो जाए हो सकता है। होप सो लेकिन उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिन टॉपिक को छोड़े उनको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। अभी कितने दिन का टाइम है आप लोग है? दो दिन का ही है मतलब परसों ही है। आपको मैथ वालों से दुख है उनको 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 मतलब टाइम ज्यादा मिल गया है। हाँ आप उनका 16 का एग्जाम टल गया था फिजिक्स का था इस वजह से तो खैर उनको भी 3 दिन का गैप मिलता है अगर देखा जाए तो। स्टैटिस्टिक का भी तो बीच में था। खैर तो ये रहा बातचीत बच्चों से एक छोटा सा। हालांकि चेहरे के एक्सप्रेशन आपने पहले ही देख लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं बुरा गया लेकिन इतना मैं कहूंगा कि रिटन एग्जाम में चलता है अगर आप सारे प्रश्न को सॉल्व करके आए तो आप डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आता है। ठीक है फिलहाल इस वीडियो में कर इतना ही। थैंक यू।